Hey guys, welcome back to the P Square Salon. मैम के हेयर ना एक्सेस में ड्राई और एक्सेस में हेयर फॉल है. हेयर फॉल कह लो, हेयर ब्रेकेज कह लो, गुच्छों में बाल आ रहे हैं. गुच्छे समझ रहे हो आप, गुच्छों में बाल आ रहे हैं. ये देखो ऐसे, ये अभी निकले जस्ट. तो मैम को तो हमने सजेस्ट किया था कि एक अच्छा सा ट्रीटमेंट ले लेंगे, बट मैम कह रही नहीं, हेयर कट से काम चला दो. तो लेट्स सी, एक हल्का सा फुल्का सा हेयर कट करते हैं, हल्का सा लेयर कट जो फेस को फ्रेमिंग दे. बट हेयर ड्राई है तो ड्राई होने के बाद तो एक्सेस में ड्राई दिखेंगे ही दिखेंगे. अभी तो वॉश होने के बाद आपको थोड़े हैवी लग रहे हैं. राइट, ओके, एक बेसिक गाइडलाइन बनाते हैं, एक बेसिक सा हेयर कट बेसिक बैक से जो हमारी गाइडलाइन रहेगी मैक्सिमम लेंथ की. राइट, तो उसके बाद हम इसके अंदर कट स्टार्ट करेंगे. ये देखिए हमारी बेसिक गाइडलाइन होगी, ये लेंथ हमारी रहेगी. अब दो पार्टों में हेयर को डिवाइड कर लेते हैं और बैक साइड से कट करना स्टार्ट करते हैं. डायगोनल सेक्शन लेंगे वी शेप में, ऊपर से नीचे की तरफ वी शेप. राइट, तो इसको उठाएंगे. अब यहाँ पे आप अपने वेरिएशन के हिसाब से अपनी डिग्री पर उठा सकते हैं. आपको जितना ऊपर लेके जाओगे ना आप, उतना ही मैक्सिमम बाउंस आएगा, उतने ही ज़्यादा लेयर आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी लेंथ भी जाएगी, उतनी ही ज़्यादा बाउंसी लेंथ वो उतना ही ज़्यादा बाउंसी आएगा. बहुत ज़्यादा स्टेप्स आएंगे, मल्टी स्टेप जो आप कहते हो वो है. अगर आप इसको बस 90 डिग्री, ये देखो हेयर शेप के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पर आ रहा है, 90 डिग्री पर रखोगे तो नीचे 4 से 5 इंचेस के अंदर काफ़ी अच्छा बाउंस आता है. लेंथ भी मेंटेन रहती है, डेंसिटी. अब लेंथ मेंटेन नहीं है कि आप फिर भी बोलोगे कि ऊपर ले जाएंगे तब भी तो लेंथ उतनी रहेगी. हाँ, उतनी तो रहेगी लेकिन नीचे बिल्कुल ना के बराबर लेंथ रहेगी. डेंसिटी ऐसी हो जाएगी बिल्कुल थिन. 4 बाल दिखेंगे नीचे तो उसको लेंथ नहीं कह सकते ना. हल्की फुल्की डेंसिटी के साथ लेंथ रखनी होती है. राइट, कि बाल इतने ऊपर के स्टेप्स या मल्टी स्टेप्स या लेयर्स में, बैक लेयर में इतने ना कट जाएं कि नीचे लेंथ के नीचे बिल्कुल बिल्कुल भी ना बचे, बिल्कुल एक छोटी सी पूंछ बचे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है. राइट, तो लेकिन हेयर एक्सेस में ड्राई है, सूखने के बाद आपको दिखेंगे कि कितने ड्राई हो गए हैं हेयर. राइट, अभी तो हम कट कर रहे हैं बिल्कुल माइनर माइनस. आप देख रहे होंगे कि जो लेयर्स है वो भी ईयर्स के भी काफ़ी डाउन से आ रही है. जब आप लास्ट में देखोगे तो फ्रंट का हेयर है वो बिल्कुल चिन के नीचे से लेयर्स आएगी, क्योंकि नहीं काट सकते ज़्यादा ही, ज़्यादा छोट कर देंगे ना यहाँ पे हेयर या फ्लिक्स को भी, तो इतना ज़्यादा एक्सेस ड्राई है हेयर कि उड़ने लगेगा फ्रिजी फ्रिजी सा. अभी तो आप ऐसे ऐसे में क्या ना कि आप लोग तो कर दोगे, आप लोग ड्राई कर दोगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस में लाओगे ना कि नहीं यार, बाद में क्लाइंट जब घर पर वॉश करेगा ना उसको ये नहीं दिखेगा कि उसका हेयर ड्राई है, उसको ये दिखेगा कि बाल ज़्यादा छोटे काट दिए. देखो क्लाइंट को अपनी गलती नहीं दिखती ना नॉर्मली, और ये उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि यार नॉलेज आपको है, उनको नहीं है. उनको नॉलेज होती तो फिर बात ही अलग होती ना. राइट, तो हमने हल्का सा फ्लिक्स कट किया था. अब ये बहुत कम क्वांटिटी वाला फ्लिक्स, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर. देखना आप कितना कम कटेगा, ये देखो कितना कट गया, बस इतना सा, बिल्कुल नोचिंग हुई है क्योंकि ज़्यादा कर नहीं सकते. ये मैं मैडम को हेयर समझा रहा था कि मैम बिना ड्राई के भी आपके हेयर ऐसे दिख रहे हैं, घर पर भी ऐसे दिखेंगे, लेकिन सूखने के बाद ये हल्का सा ड्राई दिखेगा. यहाँ पे मैंने ये समझाया था मैम को, इंस्टाग्राम साइड में आ गया, आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं हमें, वहाँ पे रील्स आती रहती है मैडम की रील्स से. तो ये रहा ड्राई, देखो ड्राई कितना एक्स्ट्रा ड्राई है, फिर भी ड्राई के बाद भी इतना कम, मतलब इतना ड्राई दिख रहा तो सोच लो नेचुरली कितना होगा. राइट, तो हेयर के एंड्स में अभी भी जान नहीं है जिसके से हेयर कट के अंदर फिनिशिंग नहीं दिख रही, बट ये हेयर कट बहुत फाइन है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैम को ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते थे हम, ज़्यादा शॉर्ट करते बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी है. ओके, कैसा लगा आप लोगों को कट तो मुझे जरूर बताना. मैम की रील भी बनाइए, साइड में इंस्टाग्राम को दिखाई दिया था और नीचे लिखा हुआ है पी स्क्वायर सलोन, और हमारे हर एक ईमेल एड्रेस है, हर एक सोशल मीडिया पी स्क्वायर सलोन के नाम से. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, पी स्क्वायर सलोन.